हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक कमांड्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो सबसे पहली कमांड डिस्कस करने वाले हैं वो है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी स्पेशली यूज की जाती है यूजर की प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को देखने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने अभी इस टर्मिनल पर रूट यूजर से लॉगिन किया हुआ है, लेकिन अगर आप ये चेक करना चाहते कि ये यूजर किस डायरेक्टरी में प्रेजेंटली काम कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं PWD। टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डियर कि ये जो रूट यूजर है ये इस टाइम पर रूट पार्टीशन के अंदर रूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, भाई दो तरीके होते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखने के लिए। पहले होता है PWD कमांड के द्वारा आप यूजर की प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख सकते हो, या फिर आप दोस्तों यहां से भी आप देख सकते हो कि ये यूजर प्रेजेंटली किस डायरेक्टरी में काम कर रहा है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अगर यहां पर यूजर के लॉगिन के सामने ये टिल्ड की आई हुई है तो समझ लेना कि यूजर जो है वो अपनी होम डायरेक्टरी में काम कर रहा है। ठीक है, होम डायरेक्टरी क्या होती है ये हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो PWD कमांड स्पेशली यूज की जाती है यूजर की प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखने के लिए कि यूजर प्रेजेंटली किस डायरेक्टरी में काम कर रहा है। दूसरी कमांड है CD। दोस्तों, अगर आप यूजर की प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं CD कमांड, यानी कि चेंज डायरेक्टरी। देखिए, CD स्पेस उस डायरेक्टरी का पाथ प्रोवाइड कीजिए जिस डायरेक्टरी को आप यूजर की वर्किंग डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप रूट यूजर को रूट पार्टीशन के अंदर काम कराना चाहते हैं तो CD स्पेस रूट टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि वर्किंग डायरेक्टरी का सिंबल जो है वो चेंज हो चुका है, यानी कि यूजर जो है वो रूट पार्टीशन के अंदर आ चुका है। चाहे तो आप यहां पर PWD कमांड के द्वारा भी चेक कर सकते हो, क्लियर है, या फिर आप CD स्पेस रूट पार्टीशन के अंदर एक ETC नाम की डायरेक्टरी होती है वो टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए, अब यूजर की प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ETC हो गया है, या फिर CD स्पेस रूट पार्टीशन के अंदर रूट डायरेक्टरी के अंदर एक डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी होती है। अब देखिए, अब इसकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो डेस्कटॉप हो गया है। या फिर दोस्तों, अगर आप यहीं से ही यूजर की होम डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, जैसे कि टिल्ड की का सिंबल आया हुआ था, यानी कि ये यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में काम कर रहा था, तो अगर आप यहां से डेस्कटॉप पे यूजर की होम डायरेक्टरी में डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो CD टाइप करके एंटर की प्रेस कर देना, तो यूजर जो है यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में चला जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह हम लोग PWD और CD कमांड यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग कमांड डिस्कस करने वाले हैं वो है डेट कमांड। दोस्तों, डेट जो है मशीन की डेट एंड टाइम को शो कराने के लिए यूज की जाती है। अगर आप डेट कमांड यूज करना चाहते हैं या डेट वगैरह देखना चाहते हैं तो डेट टाइप कीजिएगा और एंटर की प्रेस कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्यूसडे दिसंबर 27, यानी कि 27th ऑफ दिसंबर।
डे है ट्यूसडे, टाइम हुआ है 22:07, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन, और ये है ईयर नंबर। तो दोस्तों डेट कमांड के द्वारा हम लोग मशीन की डेट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो है कैल कमांड। दोस्तों कैल कमांड जो है वो स्पेशली यूज की जाती है कैलेंडर देखने के लिए। अगर आप कैल टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं तो करंट मंथ का कैलेंडर आपको शो कर देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर 2018 का कैलेंडर ये शो कर रहा है जो कि करंट मंथ है, और यहाँ पर हाइलाइटेड जो नंबर आया हुआ है वो आज की डेट आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आप कैल कमांड यूज करते हैं तो करंट मंथ का कैलेंडर शो हो जाएगा। अगर आप एक पर्टिकुलर मंथ का चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं कैल स्पेस मंथ नंबर स्पेस ईयर नंबर, टाइप करके आप एंटर की प्रेस कर दीजिएगा तो आपको 2018 का ही अक्टूबर मंथ का कैलेंडर शो हो जाएगा। या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपको केवल इस करंट मंथ करंट ईयर का ही कैलेंडर शो करेगा, आप किसी भी ईयर का कैलेंडर आप शो कर सकते हो। इसके बाद अगर आप पूरे ईयर का कैलेंडर शो कराना चाहते हैं तो आप मंथ नंबर को हटा के जस्ट कैल स्पेस ईयर नंबर टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने पूरा ईयर का कैलेंडर आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम लोग पूरे ईयर का कैलेंडर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमांड जो हम लोग यूज करने वाले हैं दोस्तों वो है क्लियर कमांड। दोस्तों क्लियर कमांड जो है वो स्पेशली यूज की जाती है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन जो है वो काफी फुल हो चुकी है, तो अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा तो स्क्रीन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग CLS कमांड यूज करते हैं, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं क्लियर कमांड। दोस्तों एक शॉर्टकट भी हम लोग यूज करते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। भाई अभी मैंने आपको क्लियर कमांड बताई, लेकिन अगर आप यहां पर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ L प्रेस करते हैं, दोस्तों कंट्रोल के साथ एल, एल फॉर लॉयन, तो अगर आप कंट्रोल के साथ एल प्रेस करते हैं तो भी स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह हम लोग स्क्रीन को क्लियर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है हिस्ट्री। दोस्तों हिस्ट्री कमांड यूज की जाती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अभी तक आपने बूट होने के बाद कौन कौन सी कमांड एग्जीक्यूट की है उसकी पूरी हिस्ट्री देखने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस टर्मिनल पर किस किस कमांड को मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ है उसकी पूरी हिस्ट्री आई हुई है। दोस्तों अगर आप यही हिस्ट्री क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री को क्लियर करना चाहते हैं तो हिस्ट्री के साथ हाइफन सी यूज कीजिएगा। हाइफन सी बोले तो क्लियर, तो हिस्ट्री को क्लियर करने के लिए हिस्ट्री स्पेस हाइफन सी टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर हिस्ट्री कमांड यूज करते हैं दोबारा से, हिस्ट्री टाइप करके एंटर की प्रेस करते ही आप देख सकते हैं दोस्तों हिस्ट्री जो है वो क्लियर हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी ही कमांड को हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे भी हम लोग बेसिक कमांड्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया CD, PWD, डेट, कैल, क्लियर एंड हिस्ट्री। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे।